Hey guys, welcome back to my new another video. तो guys, आज का जो वीडियो है वो पूरा आउटलाइन पे होने वाला है. मैं आज का वीडियो पूरा आउटलाइन ट्यूटोरियल बनाने वाला हूँ. तो जो जिनका मैं आउटलाइन बनाने वाला हूँ वो एक अमेजिंग आर्टिस्ट है जिनका नाम है PS राठौर. तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा वो कौन है. तो एक वो एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट है. तो उनका मैं ड्राइंग बनाने वाला हूँ. तो इस वीडियो में गाइस मैं आपको कंप्लीट आउटलाइन कैसे बनाते हैं वो भी ग्रिड टेक्निक यूज़ करके, तो वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना. और यहाँ पर देख सकते हो गाइस मैं जो पेपर यूज़ कर रहा हूँ वो A3 साइज का यूज़ कर रहा हूँ. तो A3 साइज में कम्प्लीट पोर्ट्रेट को बनाएंगे. तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं. पहले गाइस मैं आपको रेफरेंस फोटो दिखा देता हूँ. तो ये है रेफरेंस काफ़ी ज़्यादा पसंद है. तो यहाँ पर मैं A3 साइज का सीट ले चुका हूँ. तो इसमें मैंने यहाँ पर एक एक सेंटीमीटर में यहाँ पर बॉक्स बना लिया है. तो उसके बाद इस बॉक्स में इस रेफरेंस फोटो को कैसे ड्रॉ करना है वो आप देखो. तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लाइन क्रिएट कर देता हूँ. तो जो लाइन है वो आ चुका है ऑलरेडी. इसके बाद यहाँ पर जो फोटो है मैं उसको एक सेंटीमीटर जूम करूँगा. तो मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पर मेरे पास स्केल है. तो गाइस स्केल से इसको ऐसे लाइन को मिलाना है. ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं 1 सेंटीमीटर मैंने जूम कर लिया है रेफरेंस फ़ोटो को. तो 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर मेरा बॉक्स बना हुआ है. एक एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है. और इसका जो चौड़ाई है गाइस वो मैंने रखा है 8, 9, 10, 11 है. मतलब मैं 10 और 15. तो यहाँ पर गाइस आप देखेंगे लेवल में, तो यहाँ पर जो लाइन है 11 में है और यहाँ पर एंडिंग लाइन जो है लंबाई का वो है 15 में. ठीक है, तो यहाँ पर मैं रेफरेंस फ़ोटो को जूम कर लिया हूँ 1 सेंटीमीटर में. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो यहाँ पर नंबरिंग कर लेता हूँ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10. ठीक है, तो यहाँ 10 बॉक्स कहाँ पर है, यहाँ पर. तो मैं इतना ही ड्राइंग करने वाला हूँ. तो बस यहाँ पर भी नंबरिंग कर लेते हैं. ये 1 हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14. मैं नंबरिंग कर लिया. तो गाइस यहाँ पर आउटलाइन बनाने के लिए यहाँ पर मैं 8 लाइन की पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जो HB सीरीज का है. यहाँ पर देख सकते हो HB पेंसिल मैंने यूज़ किया है आउटलाइन बनाने के लिए, क्योंकि HB पेंसिल काफ़ी ज़्यादा लाइट होता है. और गाइस आप जब भी ग्रिड लाइन ड्रॉ करेंगे तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एकदम लाइट प्रेशर से मैंने यहाँ पर लाइन्स को ड्रॉ किया है. तो ऐसे ही आपको जो जब भी लाइन क्रिएट करेंगे तो एकदम लाइट प्रेशर से ही आपको ग्रिड ड्रॉ करना पड़ेगा. क्योंकि लाइट प्रेशर से इसलिए ग्रिड को ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप यहाँ पर प्रेशर देकर बनाते हैं उसके बाद आप आउटलाइन भी बनाएंगे. तो चाहे आप आउटलाइन बनाओ चाहे आप ग्रिड लाइन बनाओ, उसके लिए आपको बिल्कुल लाइट प्रेशर ही आपको यूज़ करना रहेगा. ठीक है, ज़्यादा प्रेशर अगर दोगे तो उसको आपको इरेज करना पड़ेगा. इरेज करोगे तो वो तो अच्छे से इरेज होगा नहीं और जो उसका जो निशान जो है तो वो बैकग्राउंड पे दिखेगा. और जिस टाइम आप शेडिंग करोगे तो उस टाइम वो जो है अच्छा नहीं दिखेगा. ठीक है, तो उसके लिए आपको इस बात का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए आपको लो प्रेशर ही यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा. और जब भी आप ग्रिड बनाएंगे तो यहाँ पर नंबरिंग जरूर कर लेना गाइस, क्योंकि नंबरिंग से ही आपको ज़्यादा अच्छे से पता रहेगा कि कौन सा कॉलम है, कि कौन से रो और कौन से कॉलम के बीच में कौन से बॉक्स में आपका आउटलाइन का जो पार्ट है वो आ रहा है. तो यहाँ पर जैसे कि लाइंस का मतलब मैं आपको बताता हूँ. जैसे कि आप ऊपर में देख सकते हैं यहाँ पर 3, 4, 5 ऑलरेडी यहाँ पर नंबरिंग है ना. और वैसे ही यहाँ पर भी नंबरिंग है कि 1, 2, 3, 4 ऐसे यहाँ पर भी नंबरिंग है. अगर मुझे आइस को मेजरमेंट करना है तो जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पर आइस को देख लिया, अब मैं यहाँ पर गेस करूँगा कि आइस कहाँ पर है. तो मुझे इजली पता चल जाएगा कि 5 नंबर कॉलम पे और इधर से 5 नंबर रो पे यहाँ पर आइस है. तो वैसे यहाँ पर मैं काउंट करूँगा 1, 2, 3, 4, 5 5 ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ है. ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर कॉलम नंबर 5, तो यहाँ से मैं काउंट करूँगा 1, 2, 3, 4, 5. तो इस बॉक्स में आपका आइस ड्रॉ होगा. तो यहाँ पर मैं आइस को ड्रॉ करके बताता हूँ.
तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना, इस नंबर पे आइज ड्रॉ होगा गाइस, ठीक है। और उसके बाद और भी इसको प्रॉपर आउटलाइन करना है तो, और आपको एक अच्छा टेक्निक बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पर जैसे कि बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो ऐसे गिट बॉक्स करने के बाद में ये वाला जो बॉक्स है, ये जो इस तरह का जो ट्रेंगल लाइन जो है, तो ऐसा भी ड्रॉ करते हैं। और ऐसा ड्रॉ मान के चलो आपको आँख के लिए ज़रूरत है, तो आपको सिर्फ आँख के पास ही जो बॉक्स में आँख है वहीं पर ही इस तरह का बॉक्स बनाना है आपको। कई आर्टिस्ट क्या करते हैं कि जितना भी यहाँ पर गिट बॉक्स आपने ड्रॉ किया है उसमें पूरे में ऐसे ही ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, तो पूरे बॉक्स को ऐसे भर देते हैं, जबकि पूरे से कोई आपको ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर आइस के लिए ज़रूरत है। तो आइस के लिए मान के चलो 5 नंबर बॉक्स में यहाँ पर मुझे आइस ड्रॉ करना है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिर्फ 5 नंबर बॉक्स को यहाँ पर मैं ऐसा बॉक्स को ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पर देख सकते हो 7 नंबर कॉलम पे है, ठीक, 6 और 7, तो मैं वैसे यहाँ पर भी 7 नंबर कॉलम पे जो बॉक्स है उसको ड्रॉ कर लेता हूँ, हो गया। अब उसके बाद मान के चलिए यहाँ पर मुझे नोज़ को एकदम प्रॉपर मुझे ड्रॉ करना है आउटलाइन को, नोज़, तो नोज़ किस बॉक्स में है, यहाँ पर 6 नंबर कॉलम पे है गाइस, देख सकते हैं यहाँ पर नंबरिंग आप, ओके, यहाँ पर 6 नंबर कॉलम पे यहाँ पर 7 नंबर रो है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप 7 नंबर रो कौन सा है, 7 नंबर रो, और यहाँ पर मुझे लेना है 6 नंबर, तो ये 6, तो ये वाला जो है यहाँ पर हम लाइन को क्रिएट करते हैं, तो ये कॉर्नर टू कॉर्नर हम मिला लिए स्केल से। तो यहाँ पर गाइस मुझे नोज़ को ड्रॉ करना है, ठीक है, अभी देखते हैं इजी हो जाएगा तो लिप को भी ऐसा ड्रॉ करेंगे, नहीं तो उसके लिए भी ऐसा ट्रायंगल वाला ड्रॉ करेंगे, ठीक है, तो आगे उसके लिए करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर मुझे सिर्फ आइज़ के लिए ज़रूरत है, आइज़ के लिए और नोज़ के लिए बस, बाकी मुझे किसी भी बॉक्स से कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ पर मैं बाकी किसी बॉक्स में ऐसा ट्रायंगल वाला जो गिड है उसको मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है, तो मुझे सिर्फ आइज़ के लिए ज़रूरत था, तो मैंने यहाँ पर आइज़ के लिए ये ड्रॉ किया है और ये नोज़ के लिए ड्रॉ किया है, ठीक है। तो गाइस अभी जैसे कि ये बॉक्स बना आपका गिड बॉक्स, उसके बाद यहाँ पर आप ऐसे इसको 4 भाग में डिवाइड भी कर दिए, तो आपको इतना मेजरमेंट करना है कि जैसे कि इस बॉक्स में कितना पार्ट है, ये बॉक्स में कितना पार्ट है, इस बॉक्स में कितना पार्ट है और इस बॉक्स में कितना पार्ट है, तो वैसे ही आपको ऑब्जर्व करके एक्यूरेट आपको ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसे ऑब्जर्वेशन से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं जैसे कि नीचे वाला पार्ट और ऊपर वाला पार्ट, जैसे नीचे वाला पार्ट देख सकते हो, तो ये यहाँ से इस बॉक्स में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ऐसे एंडिंग हो रहा है, तो आइस आपका ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो आइस और नोज़ है वो हमारा प्रॉपर आउटलाइन बन गया है। और उसके बाद अभी बच्चा गाइस मुंह का शेप बनाएंगे, तो यहाँ पर जो लिप वगैरह है उसको बनाते हैं, तो लिप के लिए गाइस यहाँ पर बॉक्स देख सकते हैं, तो 8 नंबर रो में मिलेगा आपको, 8 नंबर में, और कॉलम नंबर कितना है, 5, 6, 7 है ना, तो वैसे 5, 6, 7 ये तीनों बॉक्स में है माउथ। तो इसके लिए हम ये वाला ट्रेंगल वाला जो है उसको बॉक्स को बना लेते हैं, उसको डिवाइड कर लेते हैं जल्दी से, तो आप लोग देखो मैं कैसे बना रहा हूँ यहाँ पर, जहाँ रिक्वायरमेंट आपको लग रहा है वहाँ पर ही आपको ऐसे ड्रॉ करना है, अदरवाइज आपको पूरे बॉक्स में नहीं करना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पर जैसे कि मुझे लिप को ड्रॉ करना है, तो ये 7 नंबर आपका रो हो गया और ये 8 नंबर आपका रो हो गया, ठीक है, तो वैसे यहाँ पर ये 7 नंबर रो है और ये 8 नंबर रो है, तो 7 नंबर में ऊपर में कितना, यहाँ पर कितना पार्ट 7 नंबर के बॉक्स में आ रहा है और कितना पार्ट आपका 8 नंबर के रो में आ रहा है, तो उसको आपको ऐसे ऑब्जर्व करना है। उसके बाद आपको फिर उस बॉक्स के अंदर में कौन से
मतलब किस हिस्से में आपको कितना पार्टर है उतने को ड्रॉ करना है। तो सेम ऐसे ही जैसे कि इसके अंदर इतना पार्ट ड्रॉ करना है मुझे यहाँ पर, तो वैसे मैं यहाँ पर करूँगा। तो आप देखो कैसे मैं ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पर गाइस कंप्लीट आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस जो है ये कंप्लीट हो चुका है। तो अभी मैं जो भी क्लॉथ बचा है तो क्लॉथ को यहाँ पर आउटलाइन क्लॉथ का जो है उसको ड्रॉ करते हैं। तो वैसे ही सेम मुझे हर एक बॉक्स को ऑब्जर्व करके मुझे आउटलाइन को ड्रॉ करना है। तो आप लोग देखो मैं कैसे ड्रॉ करता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ मेरा जो आउटलाइन है वो फाइनली कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं ये पीएस राठौर जी का आउटलाइन मैंने प्रॉपर यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है।